पॉलीसाइफोनिया, बीएससी फर्स्ट ईयर में पॉलीसाइफोनिया एक एलगी है जिसमें हम आपको इसका आज त्रिस्तरीय जीवन चक्र बताएंगे। इसका बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है और किस नाम से आता है ये नहीं आएगा आपसे कि लाइफ साइकिल पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा पॉलीसाइफोनिया का या फिर बोल सकते हैं त्रिस्तरीय जीवन चक्र बताइए। तो किसमें त्रिस्तरीय जीवन चक्र? पॉलीसाइफोनिया एक प्रकार की एलगी है जिसमें तीन स्तरों में इसका जीवन चक्र संभव होता है। ठीक है, तो इसमें जो डायग्राम है इस प्रकार से, पॉलीसाइफोनिया जलीय समुद्री पौधा है, ये फैदरी होता है, इसमें दो प्रकार की ब्रांचेस पाई जाती है, प्रोस्टेट ब्रांचेस सोइल रैक्स सिस्टम एवं प्रोस्टेट रैक्स सिस्टम। तो ये रैक्स सिस्टम होता है वो इस प्रकार से होती है, शाखाएं ऊपर की ओर वृद्धि करती है और जो प्रोस्टेट ब्रांचेज होती है वो क्षैतिज रूप में यहाँ पर इस प्रकार से ये अरेन्ज करती है जिसमें राइजॉइड्स लगे रहते हैं और जो भूमि से अधोस्तर से भोजन जल शोषण करते हैं। ठीक है, जो लैटरल ब्रांचेस लगी हुई है इसमें देखिए फैदरी होती है, कुछ फैदर के समान होती है, रोमिये होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर। तो ये सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसमें पेरिफेरल सेल पिट कनेक्शन पाए जाते हैं और सेंट्रल वैक्यूल्स मध्य में पाई जाती है और एक्सियल सेल या मध्य सेल ये एक्सियल सेल कहलाती है, इसमें प्रत्येक कोशिका में एक एक केंद्र पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इसका डिवीजन थैलोफाइटा में रखा गया है, सब डिवीजन इसको एलगी में रखा गया है और क्लास रोडोफाइसी के अंतर्गत, क्योंकि रेड एलगी के अंतर्गत रखा है, बैगनी लाल रंग की समान दिखाई देने वाली होती है इसलिए रोडोफाइसी के अंतर्गत है और इसका ऑर्डर सिरेमियेस होता है, फैमिली रोडोमिलेसी होती है तथा जीनस पॉलीसाइफोनिया होता है। अब हम बात करते हैं हमें लाइफ साइकिल पढ़ना है तो आप लाइफ साइकिल पर फोकस कीजिए कि लाइफ साइकिल किस प्रकार से है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो मेल एंड फीमेल जी कैसे होते हैं, एक लिंगाश्रय पॉलीसाइफोनिया के जो पौधे होते हैं ये एक लिंगाश्रय होते हैं। एक लिंगाश्रय का मतलब होता है कि जिन पर मेल गैमेटोफिटिक प्लांट अलग तथा फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट अलग होता है। ठीक, इस पर फर्टाइल ब्रांचेस पर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लगते हैं तथा इस पर मेटेंजियम के रूप में यहाँ पर लगते हैं। जो इस पर मेटेंजियम देखिए यहाँ पर लगती है, इस पर मेटेंजियम में पेरिसेंट्रल सेल्स होती है, यहाँ पर देखिए मदर सेल के रूप में निर्माण होता है। इस पर मेटेंजियम में इस पर मेशिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पड़ रहे हैं, पर ये इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस पर मेचेंजियम में इस पर मेशियम का निर्माण होता है तथा जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब यहाँ से भित्ति फटने के पश्चात इस पर मेशिया बाहर निकल आते हैं। जी बाहर निकल आते हैं और जल के माध्यम से सतत रूप से जल में तैरते हुए इस प्रकार से देखिए निकल आए हैं। ठीक, अभी बाहर निकल आए कैसे, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं लेकिन जो ये इसका जो केंद्रक होता है ये कैसा है, गैमेटोफिटिक, क्योंकि हमने आपको बताया क्योंकि इसमें तीन प्रकार की अवस्थाएं चलती हैं। पहली होती है गैमेटोफिटिक अवस्था, दूसरी होती है गैमेटोफाइट स्टेट, दूसरी कार्पोस्पोरोफाइट स्टेट जो यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी कार्पोस्पोरोफाइट स्टेज, तीसरी होती है आपकी स्टेट्रास्पोरोफिटिक स्टेज। ठीक है, तीन अवस्थाएं हैं। तो कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट अवस्था जो होती है ये 2n नंबर की डिप्लॉयड अवस्था होती है, जो आपकी गैमेटोफिटिक स्टेज है ये n नंबर की हैप्लॉयड स्टेज होती है। तो अभी देखिए प्लांट हैप्लॉयड है, इसका जो थैलस होते हैं कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं और यहाँ पर जो स्पर्म एशिया का निर्माण हुआ है यहाँ पर एक ही केंद्र पे वो भी कैसा है, एन नंबर का हैप्लॉयड केंद्र पाया जाता है। स्पर्म एशियम जो निकला हुआ है ये बाहर पानी में स्वतंत्र माध्यम से कहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पर अपनी जो ट्राइकोगाइन ओगोनियम है जिसको हम कार्पोगोनियल कहते हैं, कार्पोगोनियल के पास ट्राइकोगाइन के सिरे पर पहुंचेगा। अब हम बात करते हैं फीमेल प्लांट, तो फीमेल प्लांट में जो कार्पोगोनियम के रूप में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लगते हैं जिस पर एक निचला भाग कार्पोगोनियल कहलाता है तथा ऊपरी जो नुकीला पतला ट्यूब नलिकाकार संरचना बनाती है उसको हम ट्राइकोगाइन कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस एग न्यूक्लियस पाया जाता है। कार्पोगोनियम के नीचे एक क्या पाई जाती है, कार्पोगोनियल फिलामेंट सेल्स होती हैं। यहाँ पर सपोर्टिंग सेल इसके नीचे की ओर पाई जाती है, सपोर्टिंग सेल होती है जिसको सपोर्ट करती है तथा अब हम इस स्ट्रक्चर के बारे में देखिए,
सेल है। अब हम बात करते हैं जो कार्पोकोनियल सेल्स होती हैं, तो यहाँ की जो ट्राइकोबायन है इस भाग पर जो उस पर रेशा निकला था वो विंड, हम कह सकते हैं जो जल के बहाव के कारण तैरता हुआ, और यहाँ पर उसी समय क्या होता है जो ट्राइकोबायन वाला भाग है इसमें एक श्लेष्मी पदार्थ श्रावित होता है जिससे ये क्या होता है इस पर रेशा आकर्षित होकर इस पर चिपक जाता है। देखिए यहाँ पर फोकस कीजिए, ये क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ इस पर अटैच हो गया, चिपक गया, तथा इसके भित्ति गलने पर जो इसका यूनिन्यूक्लिएटेड केंद्र है स्पर्मेशिया का, ये ट्राइकोबायन के माध्यम से कार्पोकोनियम के एग तक पहुंच जाता है, और पहुंचने के पश्चात यहाँ क्या होगा, निषेचन की क्रिया संपन्न होगी, और साथ ही साथ इसी समय यहाँ पर जो बेसल स्टेराइल सेल्स होती है इनमें भी विभाजन प्रारंभ हो जाता है। सपोर्टिंग सेल में भी विभाजन प्रारंभ, देखिए सपोर्टिंग सेल में सेल्स बनने लगी, लेटरल सेल्स सभी क्या होती है स्टेराइल सेल्स क्या होती है विभाजन करने लगती है, और यहाँ पर स्पोर जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो इसका एन नंबर का न्यूक्लियस, इसका एन नंबर, दो एन न्यूक्लियस, देखिए यहाँ पर फोकस कीजिए, दो एन न्यूक्लियस बने हुए हैं, इसको हम क्या बनाते हैं, फर्टिलाइज होकर फ्यूजन की क्रिया संयोजन की क्रिया के पश्चात क्या बनाएंगे, जाइगोट स्पोर का निर्माण करते हैं, तथा जो सपोर्टिंग सेल है ये विभाजित होकर ऊपर की ओर एक ऑक्सिलरी सेल को काटती है। देखिए स्काई ब्लू कलर की जो सेल बनी है क्या है, ऑक्सिलरी सेल बन जाती है। यहां तक अपनी कौन सी स्टेज, गैमेटोफिटिक स्टेज, क्योंकि यहाँ पे टू एन नंबर का अपना स्पोर बन चुका है। ये देखिए बेसल सेल, फर्टाइल सेल्स ये क्या होती है सपोर्टिंग सेल बनाकर विभाजन करती रहती हैं, लेटरल सेल ये विभाजन करती क्या बनाएगी, आगे जाकर आपका कार्पोस्पोरेंजियम बनाकर कार्पोस्पोरेंजियम का निर्माण करती हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं जो ऑक्सिलरी सेल है, ये ऑक्सिलरी सेल कैसे बनी, तो ऑक्सिलरी सेल सपोर्टिंग सेल से बनी, तथा इसमें जो अपना ये जाइगोट बना, ये देखिए ये जाइगोट बन चुका था अपना टू एन नंबर का, क्योंकि यहाँ से कार्पोस्पोरोफाइट अवस्था आ चुकी है, ठीक। 2A नंबर की इसमें तुरंत जस्ट पश्चात इसमें बहुत सारे विभाजन हुए, तो हमने बताया सारी सेल्स बनती हैं, एनवलप एक सीट बनाने का काम करेंगी आगे जाकर, ठीक है। लेटरल सेल भी देखिए विभाजित हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो ऑक्सिलरी सेल है, और जो क्या बोलती आपकी ओगोनियम की जो कार्पोकोनियम की सेल्स थी इनमें क्या होता है कि ट्यूब के समान आपस में संरचना जुड़ जाती है, तथा उसमें जो केंद्रक होता है आपकी कार्पोकोनियम का, तो कार्पोकोनियम का जो केंद्र था वो जाइगोट टू ए नंबर साधारण विभाजन द्वारा दो केंद्र बनाता है, तथा एक केंद्रक ऑक्सिलरी सेल में आ जाता है, किसमें आ जाएगा, ऑक्सिलरी सेल में आ जाता है, लेकिन जो ऑक्सिलरी सेल का हैप्लॉइड केंद्रक था वो नष्ट हो जाता है और टू ए नंबर का केंद्रक ऑक्सिलरी में रह जाता है, और जो इसके ट्राइकोबाइन वाला ये चौंच वाला भाग तरीका होगा डिस्ट्रॉय नष्ट हो जाता है, टू ए नंबर का केंद्रक फिर से टू ए नंबर का केंद्र रखता हुआ साधारण विभाजन द्वारा 2A नंबर के केंद्र को फिर बनाएगा, तथा दो 2A नंबर के दो केंद्रकों का निर्माण करता है जो क्या कहलाते हैं गोनियोब्लास्ट कहलाते हैं, गोनियोब्लास्ट सेल कहलाती है गोनियोब्लास्ट, ठीक है आप कह सकते हैं, और आगे जाकर गोनियोब्लास्ट अनेक विभाजन द्वारा अनेकों क्या बनाते हैं, कितने, दो से चार, आठ, दस तक कितने क्या बनाएंगे गोनियोब्लास्ट के सेल्स बनाएंगे जिनको हम फिलामेंट कहते हैं, कई फिलामेंट देखिए एक दो तीन ऐसे कई प्रकार के फिलामेंट की संरचना बना लेते हैं, तो ये भी 2A नंबर का ही चल रहा है। तब जो ये सेल्स होती है चारों ओर एक आवरण बना लेती है, और इसको जो जितने भी गोनियोब्लास्ट सेल थी, ठीक है, ये कवर कर लेंगे चारों ओर से एनवलप के माध्यम से इनको कवर कर लेंगे, देखिए सब ब्लू कलर की सेल दिख रही है ये सब बनी है अपने, इसको हम, और जिसमें कवरिंग, जो कवरिंग बनती है, जो कवरिंग हम क्या कहते हैं सिस्टोकार्प कहलाती है, तथा ये जो गोनियोब्लास्ट होते हैं इनको हम क्या बोल सकते हैं कार्पोस्पोर्स कह सकते हैं, कार्पोस्पोर कहाँ पर भर जाते हैं, ये कार्पोस्पोर्स कार्पोस्पोरेंजियम के अंदर पाए जाते हैं, तथा कार्पोस्पोरेंजियम किसके अंदर सिस्टोकार्प से आवृत रहती है, आवरण के रूप में पाया जाता है, इसके ऊपर एक ऑस्टियोल चित्र पाया जाता है, जब ये मैच्योर होकर बाहर निकलेंगी तो किसके माध्यम से ऑस्टियोल के माध्यम से जल में निकल आती है, ठीक। तो यहाँ तक 2A नंबर की आपकी कार्पोस्पोरोफाइट स्टेज चली, और यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन में सिस्टोकार्प आपसे जरूर पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो ये टेट्रा ये निकला हुआ है कार्पोस्पोर्स बाहर निकलती है, कार्पोस्पोर्स 2A नंबर के होते हैं, ये बाहर निकलकर स्वतंत्र अवस्था में क्या करेंगे, दो इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन विभाजन के फलस्वरूप ये क्या अनुप्रस्थ विभाजन से ये ऊपरी
सकते हैं ये टेट्रा स्पोरोफाइट प्लांट में। अब रिडक्शन डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप ये क्या बनाएंगे टेट्रा स्पोरेंजियम से टेट्रा स्पोर्स का निर्माण करते हैं। जो ये देखिए ये आपकी तीसरी अवस्था चल रही है टेट्रा स्पोरोफाइटिक प्लांट बनने के बाद, अभी कोई नंबर नहीं है, अब इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा और ये टेट्रा स्पोर कैसे होंगे हैप्लॉइड। तो ये चार हैप्लॉइड टेट्रा स्पोर का निर्माण करेंगे और ये अंकुरण करके जिनमें से दो मेल प्लांट का तथा दो फीमेल प्लांट का निर्माण करते हैं। ठीक है, ओके, आई होप